बारामूला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बारामूला के अलग अलग लोकेशंस पर एनआईए की तरफ से रेड डाली जा रही है और किन किन के घरों में जो है ये रेड डाली जा रही है उसकी भी जानकारी सामने आई है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो अभी तक जिन 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 रेजिडेंसीज पर अभी तक जो है एनआईए की तरफ से रेड डाली गई है उसमें जो सबसे पहला नाम सामने आया है जहूर अहमद मल्ला, सन ऑफ बशीर अहमद मल्ला, जो कि ओल्ड टाउन बारामूला का रहने वाला है और इस वक्त ये उधमपुर जेल में जो है ये बंद है। और इसी के साथ एक और शख्स के घर, जिसके घर ये एनआईए की तरफ से जो है रेड डाली गई है, उसमें जो नाम सामने आया है गुलाम मोहम्मद भट्ट, जो कि यहाँ पर ख्वाजा बाग बारामूला का रहने वाला है। वहीं पर फिरोज अहमद शेख, खालिद शेख, जहूर शेख, ये सब जो है गुलाम अहमद शेख के बेटे हैं, जो कि दीवान कॉलोनी निशात के रहने वाले हैं और होटल हिल्टन पहलगाम के ये ओनर्स भी हैं। इनके घरों में इनके जो रेजिडेंसीज हैं वहां पर भी जो है छापेमारी की जा रही है। बाकी की जो डिटेल्स है वो अभी तक जो है साझा नहीं की गई है कि क्या कुछ कारण रहा है, किन किन कारणों की वजह से इन लोगों के घरों में जो है रेड डाली जा रही है। लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से सुबह सवेरे ही ये कार्रवाई जो है की गई है, जहां बारामूला की अलग अलग जगहों पर जो मल्टीपल लोकेशंस पर जो है ये रेड डाली जा रही है और जहां अलग अलग रेजिडेंसीज को जो है ये आज जो है देखा गया है, जहां पर रेड एनआईए की तरफ से डाली जा रही है, उनके ऑफिशियल्स जो है इन लोकेशंस पर मौजूद हैं। लेकिन उनकी तरफ से अभी तक ये जो है क्लियर नहीं किया गया है कि आखिर कारण क्या कुछ रहा है, क्या कुछ केसेस की वजह से जो है इन एरियाज में या फिर इनके रेजिडेंसीज पे जो है ये रेड डाली जा रही है। जो भी ज्यादा जानकारी जो है इस हवाले से सामने आएगी वो भी आपके सामने जरूर रखेंगे। अभी के लिए दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।